हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और मैंने हेयर वॉश करे हैं और रीना जी का मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप दो चोटी में जो है व्लॉग बनाइए। तो मैं आज उनकी जो फरमाइश है उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। तो मैं दो चोटी में आगे की जो मेरे काम है वो करने वाली हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में और दो चोटी के साथ करेंगे काम। तो आज का वीडियो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मुझे बनानी है दो चोटी। और आपको बाहर से बहुत ही ज़्यादा वॉइस आ रही होगी, तो हमारे जो दूध वाले भैया है वो दूध दे के चले गए हैं। तो मैं दो चोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। मुझे इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है, बट देखते हैं अभी कैसी बनती है कैसी नहीं। तो मैंने दो पार्ट निकाल लिए हैं। तो रीना जी जो है उनका बहुत ही रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं दो चोटी में ब्लॉग बनाऊं, तो मैंने सोचा चलो यार बना लेते हैं। उन्होंने ना रबर बैंड से दो चोटी बनाने का बोला है। और ये देखिए, दो चोटी तो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है दो चोटी बनाना। बट ये मेरा ससुराल है तो मैं नहीं बना सकती ना रोज रोज। बट मैं वीडियो बनाने के बहाने में मेरे तीन या चार वीडियो तो हो चुके होंगे दो चोटी पे। तो ये वाला जो रबर बैंड है छोटू सा, वो मैं लगा लूँगी यहाँ पर। हमारी एक चोटी जो है रेडी हो चुकी है, देख सकते हो आप। तो अभी बनाएंगे दूसरी वाली चोटी और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि ना हमारा ये जो बेडरूम है वहाँ पर फैन जो है ना बहुत ही स्लो चल रहा है आजकल। तो उससे पता नहीं क्या हो गया, दिखाना पड़ेगा। बट लॉकडाउन की वजह से ना सारे शॉप जो है वो बंद है, तो इस वजह से हम जो है आगे के ही रूम में हमारे जो हॉल है वहाँ पर ही सो रहे हैं आजकल। तो ये देखिए, मुझे इतने अच्छी तरीके से नहीं आते हैं, बट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इकड़े यही था दाखो। ये देखिए, खुशी ने भी अपने आप से जो है दो चोटी बनाई है। तो उसने देखा मम्मी दो चोटी बना रही है, तो उसने भी दो चोटी बना ली है। और उसने ऊपर टक किए हैं, सिर्फ चोटी नहीं बनाई है, मतलब पौनी बनाई है उसने। ये देखिए, खुशी जो है अपने एज के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से मतलब हेयर स्टाइल कर लेती है फ्रेंड्स, क्योंकि से पहले से मतलब शौक रहा है हेयर स्टाइल करने की। और जुड़ा वगैरह की हेयर स्टाइल भी कर लेती है, वो बहुत पसंद है उसे हेयर स्टाइल बनाना। तो ये देखिए, मेरी चोटी जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम लगाएंगे रबर बैंड। तो दो चोटी के साथ काम करना ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट क्या कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स की फरमाइश है तो हमें पूरा करना पड़ेगा। कैसी लग रही हूँ मैं, आप बताइएगा जरूर।
मुझे तो अच्छा लगता है। तो चलिए फिर करते हैं अभी काम। तो चलिए फ्रेंड्स अभी करते हैं काम। दो चोटी में तो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, बट मैं दो चोटी के साथ 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले दिया बाती से शुरुआत करती हूँ। नहा धो के मैं पहले दिया बाती करती हूँ फ्रेंड्स, और फिर बाद में मेरा जो काम है वो। तो मैंने नहा धो के चाय पी ली थी, तो ऐसा है दिया बाती भी राज के पापा पहले कर लेते हैं और फिर बाद में मैं करती हूँ। हमारे घर में हम दोनों करते हैं दिया बाती। तो ये देखिए मैं यहाँ पर दिया बाती कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आज ना मेरी मम्मी जाने वाली है, तो सुबह से मेरा मूड जो है थोड़ा ख़राब हो रखा था। तो ये देखिए दिया बाती हो चुकी है। हमारे घर ज़्यादा बड़ा मंदिर या फिर ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं है भगवान जी की, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए ऐसे बोलते हैं लोग। तो यहाँ पर सारा जो कमरा है मेरा वाला बेडरूम बिखरा पड़ा है। और मैं क्या करती हूँ दिया बाती करने के लिए, जो मेरा दिया मतलब जो मेरा मंदिर है वो रूम में पहले साफ सफाई उसकी कर लेती हूँ, और फिर बाद में ये दो बाकी के रूम हैं उनकी सफाई में बाद में करती हूँ। तो ऐसा है। तो ये है मेरी मम्मी जिन्होंने आज हेयर वॉश करा है, तो वो बाहर जा रही है अपने हेयर को कॉम करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपने बेड की साफ़ सफाई कर रही थी, और आप देख सकते हो कि बेड पर मतलब बहुत ही ये हो चुका है। और हम बेड पर नहीं सो रहे हैं इन दिनों, हम ना नीचे डायरेक्ट गोदड़ी वगैरह डाल के या फिर चटाई डाल के मैं तो नीचे ही सोती हूँ। राज के पापा सोते हैं गद्दे पर मैं नहीं सोती, क्योंकि ना वो जो मतलब कॉटन का होता है और उसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा गर्म मतलब गर्मी होती है। तो इस वजह से मैं तो गद्दे का यूज ही नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ पर हीट हो रखा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हमारे जो बेडरूम है वहाँ का फ़ैन भी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से हम रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो हमने आगे के रूम में ही हमारा बिस्तरा जो है लगाना शुरू कर दिया है, तो हम आगे के रूम में सोते हैं बिकॉज वहाँ पर कूलर भी है और फ़ैन भी है। क्योंकि मेहमान वगैरह जो आते हैं वो हॉल में ही बैठते हैं, इस वजह से कूलर को भी हमने वहीं पर सेट किया है बेडरूम में नहीं। तो हम मतलब जिन समर के दिन में ना वहीं पर सोने लग जाते हैं, तो ऐसा है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी की साड़ी सूख चुकी थी तो मैंने लेके आ गई थी घर में, उनको गाँव जाना है इस वजह से उनके कपड़े जो है मैंने पहले वॉश कर लिए थे, और हमारे कपड़े वॉश करना अभी बाकी है। मैं पहले झाड़ू पोछा लगाऊंगी और फिर बाद में कपड़े जो है वॉश करूंगी, और मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ तो मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी। मैंने आपको जैसे कि बताया मैं आगे का रूम जो है हमारा हॉल वहाँ मेरा पूजा घर है, तो मैं पहले वहाँ की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पूजा करनी होती है इस वजह से। और ये दो रूम जो है मैं बाकी रहने देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना चाय के साथ बिस्किट वगैरह खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं तो बहुत गंदा कर देते हैं, तो इसी रूम में बैठ के हम खा लेते हैं और फिर बाद में मैं इनकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही आगे आगे आती है ना चोटी। तो ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी आप लोगों को कि दो छोटे के साथ ना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रही थी मैं। और मेरा देखे ना खुशी ने भी आज दिन भर दो छोटी बनाई थी, उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है दो छोटी। तो आज मम्मी जाने वाली थी ब्रेकफास्ट करके 9:30 को, बट रामायण लगने की वजह से ना वो रामायण में बिजी हो गई, मतलब कि देखने बैठ गई। तो मैंने उनको बोल दिया मम्मी अभी खाना खा के ही जाना। मेरी मम्मी का मतलब जो गांव है मेरा जो पियर है वो यहाँ से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर ही है, बट क्या होता है बेटी को मतलब मन नहीं करता माँ चली जाए अपनी ऐसा। तो हम इतने दिनों से उनको बोल रहे थे कल चले जाना परसों चले जाना, तो ऐसे कर कर के ना उनको 7-8 दिन तो हमने निकाल दिए, मम्मा आज मत जाओ आप कल चले जाना, ऐसे कर कर के मैंने 6 से 7 दिन जो है उनके यहाँ पर निकाल लिए। और वो सिर्फ उनके हॉस्पिटल के मतलब काम से आई थी, वो कोई मेरे घर रहने वगैरह नहीं आई थी, बट बेटी का एक मोह होता है माँ के लिए, तो बस यही है। और
मैं यहाँ पर पोछा भी तुरंत लगा लूँगी, क्योंकि मैं आपको बोला कि मैंने एक एक रूम करके मतलब साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी फिर बाद में ये हो जाता है कि हम सारा कुछ मतलब क्लीन कर ले तो बच्चे भी कहाँ बैठेंगे कहाँ जाएंगे, तो इस वजह से मैं ना एक एक करके अपने जो रूम है उनकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये दो चोटियाँ आगे बार बार आ जाती है तो उनको पीछे बार बार करना पड़ता है, और वीडियो में चैलेंज होता है कि दो चोटियों को मतलब आगे रख के ही हमें काम करना है, तो बस यही है। इस वजह से मैंने ना आगे ही रख के ये सारा काम जो है फिनिश किया है, और बहुत ही शूट किया था मैंने, बहुत सारा काम दिखाने की कोशिश भी की थी, बट वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, और लंबा हो जाने के बाद फिर क्या होता है कि हमारी वीडियो मतलब इतना लंबा चौड़ा वीडियो तो कोई देखता नहीं है। इस वजह से मैंने ना ज़्यादा करके कट कट मार के मतलब जो मेन मेन था वही ये कर लिया है, तो इस वजह से मैंने जितना मुझसे पॉसिबल हुआ उतना कर लिया है। तो ये देख सकते हो आप, मैं पोछा मार लूँगी, और पोछा मारने के बाद हमने तुरंत ही मतलब मुझे कपड़े वॉश करने जाना है। और ब्रेकफास्ट में मैंने आज कुछ नहीं बनाया था, रात की जो खिचड़ी पड़ी थी ना फ्रेंड्स वही हमने गरम करके खा ली थी, क्योंकि मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, फेंकने में नहीं जाने देती हूँ, तो जो रात की खिचड़ी होती है वो कोई बासी तो नहीं हो जाती, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो खिचड़ी हमने गर्म करके खा ली थी, तो बाहर से लोग ना मुझे झांक रहे थे कि भाई इसका तो मतलब ये पागलपंती करती रहती है, तो मुझे देख रहे थे, मुझे भी हंसी आ रही थी उनको देख के। मेरी मम्मी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब हंस रही थी, वो बोल रही थी कि क्या है भाई ये आप ऐसे क्यों करते हो, तो मैंने उनको बता दिया कि मम्मा अगर वीडियो में कोई रिक्वेस्ट करे ना तो उनको उनकी रिक्वेस्ट पूरी की जाती है, तो यही बता दिया, उनको समझा दिया मैंने। तो मैंने जो है आज खाने में पकाना है कढ़ी चावल और बाजरे की रोटी, तो मैं आपके साथ देखूंगी शेयर करूंगी तो करूंगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वॉश कर लिए हैं, और कपड़े वॉश करते समय भी मैंने शूट किया था, बट एडिटिंग के टाइम मैंने देखा कि वो थोड़ा सा मतलब खुशी ने किया था तो वो उल्टा पुल्टा हो चुका था, तो इस वजह से ना मैंने वो ऐड नहीं किया। तो मैं यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए डाल रही थी, और मैं हाथों से ही वॉश करती हूँ फ्रेंड्स कपड़े, मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं है, और अगर मैं लूँगी ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर मेरा जो ये गैलरी है उसके नीचे ही मैंने कपड़े धोने के लिए बना रखा है, वहाँ पर मैं कपड़े वॉश करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में कपड़े तुरंत डाल के, तो मैं खाना पकाने की तैयारी जो है वो कर लेती हूँ। तो मैं पहले कढ़ी बनाने वाली हूँ, तो कढ़ी के लिए मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है मिर्ची अदरक और लहसुन, तो इन्हें मैं ग्राइंड कर लूँगी, बिकॉज हमारे यहाँ ना थोड़ी लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो पहले मैं ये ग्राइंड कर लूँ। तो पानी मैं नल में से लेने वाली थी, क्योंकि हमारा वो पीने का नल है, तो आज पता नहीं क्यों जल्दी से चले गए नल, तो मैंने मटके में से ही ले लिया है पानी। और यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ पर वो जो मिर्ची का पेस्ट है वो बना रही थी, तो आप देख सकते हो, मुझे तो दो चोटी देख के मैं ना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, अपने आप को देख के ही मुझे लगता है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो पता नहीं मैं कैसी लगती हूँ, आप मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसे मतलब मेरी जो ये है मेरा अनुभव वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने ये जो पेस्ट है मिर्ची का वो बना लिया है, और बाहर बच्चे ना बहुत ही मतलब जोरों जोरों से चिल्ला रहे थे, खेल रहे हैं वो, तो इस वजह से आपको बाहर की वॉइस ज़्यादा आ रही होगी। तो अभी क्या कर सकते हैं, बच्चों को मतलब कितना भी डांट लो अपने घर के बच्चे सुन लेंगे, बट बाहर के बच्चे तो नहीं सुनेंगे ना फ्रेंड्स, तो यही है। तो ये देखिए मेरा पेस्ट जो है रेडी हो चुका है, तो मम्मी जो है जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावली हो रही थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी ऐसे ही चली जाऊंगी, तो मैंने भी एक नहीं सुनी उनके लिए, मैंने जल्दी जल्दी जो है ये कढ़ी बना ली, और मैंने मेरा मोबाइल जो है बैटरी स्विच ऑफ हो गई थी उसकी मतलब लो हो चुकी थी बैटरी, तो मैंने शूट नहीं किया। ये है राइस, कढ़ी राइस और बाजरे की रोटी बनाई है मैंने, चार बनाई थी, तो एक तवे पर ही थी, थोड़ी मुझे कड़क पसंद है तो कड़क होने के लिए रख दी थी। ये देखिए, तो बाजरे की रेसिपी मतलब जो रोटी होती है उसकी भी रेसिपी मेरे साथ जो श्वेता जी है उन्होंने बोला है कि आप वो भी डालिएगा, तो मैं देखूँगी।
डालने की कोशिश करूँगी कभी कभार। मतलब अभी मैंने वो शूट करके तो रखा है, बट देखेंगे अभी मैं कब डालूँगी वो वीडियो। तो आज मम्मी जाने वाली है, इस वजह से खुशी ना बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो ये है हमारा आज का लंच। और खुशी ना जाने से पहले ही, मतलब खाना खाने से पहले ही रोने लग गई थी। उसको पता चल गया कि अभी जो उसकी नानी है वो चली जाएंगी, तो इस वजह से उसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो वो रोई जा रही थी रोई जा रही थी। तो यहाँ पर राज ने जो है थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। तो ये देखिए यहाँ पर रो रही थी वो, और मैंने उसको बोल दिया कि मत भाई उसका शूट मत करो, बट राज कहाँ सुनता है। तो ये देखिए यहाँ पर खुशी जो है रो रही है, और मम्मी जो है अपनी चप्पल पहनने के लिए यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। तो अभी दोपहर के बज चुके थे 1:15। तो मम्मी जो है बहुत ही दोपहर के मतलब 1:30 बजे तक निकल गई थी यहाँ से। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे रोना भी आ रहा था, बट मैं नहीं दिखा सकती थी क्योंकि ना फिर मम्मी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मम्मी जा रही है गांव, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। तो ये देखिए मम्मी जा चुकी है, और हमने सब ने बाय बाय कर दिया मम्मी को, मम्मी जल्दी से आना दोबारा। तो मेरा तो किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने मम्मी के जाने के बाद ना तुरंत एक काम लगा लिया ताकि मेरा मन जो है बहल जाए, और मेरा मन उसी में मतलब ये हो जाए कोई अगर हमारे घर पर आता है और चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है ना फ्रेंड्स, हमारा मन नहीं लगता, जी नहीं लगता। तो इस वजह से ना मैंने एक काम निकाल लिया। तो मैं डोरमेट बनाने के लिए ना ये मेरी जो पुरानी साड़ियाँ थी उसे मैं ये कर रही थी, उसको ना फाड़ लेना होता है हमें, 1.5 या 2 इंच की पट्टियाँ के जैसे फाड़ के हमें रख देना होता है गोला बना के, और फिर डोरमेट तैयार करना होता है। तो डोरमेट मैंने अभी तक के मतलब बाज़ार में से नहीं ख़रीदा है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ डोरमेट, तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा दो चोटी के साथ, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आपकी भी अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हो, क्योंकि मैं अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और आप अगर न्यू हो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।